अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन फॉर द नोटिफिकेशंस ऑफ माई लेटेस्ट अपलोड्स। हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है फावाद और मैं आज फिर हाज़िर हुआ हूँ आपके लिए और आपकी फरमाइश पर एक और रिएक्शन वीडियो लेकर। अभी मैंने रिसेंटली EMIWAY के दो सॉन्ग्स पर रिएक्शन दिया है, काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया तो मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई कि EMIWAY ने एक और सॉन्ग रिलीज़ किया है, EMINEM को ट्रिब्यूट किया है, जो तो उसका टाइटल भी यही है, EMIWAY बंटाए ट्रिब्यूट टू EMINEM। थैंक गॉड ये कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं है, एक सोलो सॉन्ग बनाया है जिसमें किसी की तज़ीक नहीं हुई या किसी की बुराई नहीं हुई या किसी को नीचा नहीं दिखाया गया है। तो बिना कोई टाइम ज़ाए कि आइए ये सॉन्ग सुनते भी हैं, देखते भी हैं, फिर मैं अपना रिएक्शन भी दूंगा और रिव्यू भी करेंगे। ने मुझे स्टेज में इतना सादा फैंसी शो में शक्तिमान के भेस में लिया था माइक हाथ में, टीचर खड़ी थी साथ में, मैं रोने लगा, टीचर बोली रो मत बेटा पकड़ी हो ना हाथ में। फिर बाद में दसवीं में जब पढ़ता था जयपुर ने बताया मुझे EMINEM के बारे में, नहीं पता था क्या होता है रैप क्या हिप हॉप, लेकिन ध्यान दिया मुझे मेरे EMINEM के गाने ने। कॉलेज में जाता था लेकिन पूरा समय गाना सुन के मैं बिताता, प्रैक्टिकल का बुक खाली रहता पीछे से भर जाता, पीछे गाना लिखता जाता, टीचर क्लास से भगाता बुक फाड़ के, लेकिन तेरा भाई झंडा गाड़ के बैठ चुका था, करूंगा रैप पढ़ूंगा रैप बनूंगा रैपर, लेकिन मैं कहां पर खो चुका था मुझको खुद को नहीं खबर, MBBS करने निकला बार में था ये डरता, पक ना जाओ लटक ना जाओ भटक ना जाओ, वही चूहा खुद ही खुद से मैंने खुद के लिए खोदा था कुआं, लेकिन मेरे कुएं से निकला पानी, रैप करने लगा सबको बताने लगा कहानी, गाना लिख के अब्बा ने बोला गाने तेरे फिक्के, अंग्रेजी में करेगा रैप नहीं चलेंगे सिक्के, फिर ठीक है अब्बा की बात सुन ली मैंने, और बंटाए गाने के आज भी कितने फैन है, बोलो और बंटाए क्या बोलते तुम, नाश्ता पानी करके पिए चाय में चीनी कम, डोली मारे दम तो कोई चिलम, सब पुकारे की नाम बोले बम बम, और बंटाए क्या बोलते तुम, पानी करके पिए चाय में चीनी कम, छोड़े कोई मारे दम तो कोई चिलम, सब पुकारे एक ही नाम बोले बम बम। हाँ I'm back, come back, भाई तेरा दे रहा है come back, जहाँ पे हम खड़ जा रहे सब जा रहे हैं बेटा back back snap back, मेरे सर पे पब्लिक का हो रेला back back, बदला लेने पे आके तो कर डालते सीधा hijack, प्यार से रहते तो स्वभाव पूरा शांत, एड़े चाली कर देगा तो सीधा रजनीकांत, तेरा रस कला एक कोला या फिर जाके दस कोला, बात मेरे फुल वास्तव बहुत हार्ड, नॉट अ बैड सॉन्ग, मगर मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा थी इस सॉन्ग से। EMINEM को ट्रिब्यूट कर रहे हो बंटाए भाई, लेकिन थोड़ा सा जो है ना ढीला पड़ गया ये सॉन्ग। मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ या रिएक्शन दे रहा हूँ। जो भी EMIWAY के फैंस हैं प्लीज़ कोई इस पर ओवर रिएक्ट मत करना, लेकिन एज अ लिसनर एज अ व्यूअर मुझे ये थोड़ा सा लो लगा सॉन्ग। इसमें इतनी एनर्जी नहीं है जो उन्होंने ख़त्म
वाले सॉन्ग में बताई या गिरफ्तार में जिस एनर्जी से और जिस रेज के साथ रैप किया था, मज़ा आया था सुनने में। लेकिन थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं कि चीनी कम चाय वाली बात है। इज़ अ गुड रैपर मगर थोड़ी एनर्जी लो थी। वीडियो वॉज क्वाइट गुड, आई थिंक इज गेटिंग बेटर विद एवरी वीडियो, सो होपफुली द नेक्स्ट गाना आएगा इट विल बी मच बेटर। एक और बात मैं कहना चाह रहा था कि ये सॉन्ग रिलीज़ करने का मकसद मुझे अभी समझ में नहीं आया, क्योंकि इस तरह के जो सॉन्ग्स होते हैं ना, इंसान उस वक्त रिलीज़ करता है, या सिंगर या आर्टिस्ट या सेलिब्रिटी उस वक्त रिलीज़ करते हैं या देते हैं जब वो इस मुकाम पर पहुंच जाते हैं। एमीवे बनता है, ठीक है, यूट्यूब सेंसेशन है अभी फ्रॉम लास्ट 2-3 मंथ से, और अंडरग्राउंड में भी काफ़ी पॉपुलर हैं, मगर अभी उनका वो मुकाम नहीं है। बहुत से लोग उनको नहीं जानते हैं, अभी नहीं जानते हैं, टू बी ऑनेस्ट विद यू, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो अगर अपना एक मुकाम बना लेते हैं, जैसे कि यो हनी सिंह है या रफ्तार है, उन्होंने मुकाम बनाया, दुनिया जानती है अभी उनको, अगर ये भी इसी तरह का एक मुकाम बनाते फिर ट्रिब्यूट देते एमिनेम को तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता। मगर अभी ट्रिब्यूट दे तो दिया, अच्छी बात है, इज़ वेरी डाउन टू अर्थ गाय लग रहे हैं इसमें, लेकिन आई थिंक इट वॉज दिस सॉन्ग इज़ टू अर्ली फॉर हिम एट द मोमेंट। बाकी अगर आप मेरे इस व्यू से या मेरे रिएक्शन से सहमत नहीं है तो आप अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे बता सकते हैं, लेकिन जो मुझे फ़ील हुआ या मुझे लगा मैंने आप लोगों से इजहार कर दिया, बता दिया आपको। मेरा रिएक्शन यहाँ पर कंक्लूड होता है। अगर आपको भी मेरा रिएक्शन वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। जिन जिन व्यूअर्स ने मुझे ये वीडियो रिएक्ट करने के लिए कहा था, मैं उनका थैंक यू अदा करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ कीप रिकमेंडिंग मी। अगर आप समझते हो कि एनी वायरल वीडियो, म्यूज़िक और सॉन्ग और एनीथिंग जिस पर आप समझते हो कि मुझे अपना रिएक्शन देना चाहिए या आप मेरा रिएक्शन देखना चाहते हो तो प्लीज़ रिकमेंड मी, आई वुड लव टू डू दैट। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है, और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ माई लेटेस्ट अपलोड्स। अपना ख्याल रखें, अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, स्टे सेफ, खुश रहें, गुड बाय।